और सीधे आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री संबोधन भी कर रहे हैं, सुनिए आप। और लोकतंत्र है ना, सबसे महत्व का क्या है, 5 निष्ठाओं में लोकतंत्र की भावना में विश्वास। हम कहते नहीं है, करके दिखाते। कोई पार्टी देश में ऐसी नहीं है जो अपने चुनाव के पहले सदस्यता का कार्यक्रम घोषित करे और सदस्यता को भी इतनी पारदर्शी करे कि वो नीचे तक ये रचना में जाने के बाद अपना काम का फैलाव कराए और उसके बाद अपने चुनाव पहले बूथ पे कराएगी, फिर मंडल में कराएगी, फिर जिले में कराएगी। सदस्यता भी 2 तरह की, सक्रिय सदस्यता और सामान्य सदस्यता, और फिर अपने प्रदेश के होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराएगी। और इसीलिए कई पार्टियां हैं हमारे यहाँ, तो देश के अंदर राजनीतिक दल कितने हैं, कितने हैं, 1500 दल है पंजीकृत जो राजनीतिक दल बनकर के काम कर रहे हैं और दुनिया के गिनती नहीं कर रहे। दुनिया में कितने मालूम नहीं, 200 से ज्यादा देश है, लेकिन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के आधार पर चुनी हुई पार्टी जनता के बीच से व्यक्ति को चुनने में ज्यादा सरलता रहे और चुनी हुई पार्टी के अंदर का भी नेतृत्व हमारा ही नेतृत्व के। हाँ, आप अंदाज लगा लो, कल मुझे एक बड़े नेता पूछ रहे थे और उनने बात निकाली तो मैं भी उनको बड़ा इस तरह से जवाब दे रहा था प्रदेश के अंदर, हमारी और हमारी विरोधी पार्टी में क्या अंतर है, हमारी पार्टी और विरोधी पार्टियां उसमें क्या अंतर, उनकी लीडरशिप में क्या अंतर। हमने कहा आपकी पार्टी में और इसलिए आपका आधार नहीं बढ़ रहा है क्या, आपके आज भी 80 साल के लोग नेता बने हुए, उनसे नीचे कोई आता ही नहीं है। हमारे यहाँ उनसे बहुत छोटे और अब मैं उनसे और छोटा, हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई, आपके यहाँ पहले वाले ही नहीं गए। कांग्रेस का अंतर कितना है ना, तो ये 4th पीढ़ी आ रही। देखो आप, तो ये जो अंतर है कि हमारे यहाँ नए खून की महत्ता है, नए कार्यकर्ता की महत्ता, काम को सहजता के साथ हस्तांतरित करने की परंपरा है, ये परंपरा हमारे यहाँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी विचारधारा भी अगर फैलने लगी है, कितना पहला उदाहरण अपना है सामने। हमने कहा कि हम राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं, राष्ट्रवादी हमारी 5 निष्ठा में से पहली निष्ठा राष्ट्रवादी विचार की, और राष्ट्रवादी विचार की केवल बात नहीं करते, जब हमारी 5 लोगों ने मिलकर जनसंघ की स्थापना करी, कितने लोग थे, 5 लोग, बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय के भारत सरकार के पद को लात मार के विरोधी दल बनाया हूं। अब आप बताओ, आज के समय में कोई अपने भारत सरकार के चुने हुए पद को छोड़ के आ जाए, कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और कहा कि धारा 370 गलत है, जम्मू कश्मीर के अंदर देश की आजादी के बाद सभी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद रहेगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक ही झंडा रहेगा, हमारे अपने राष्ट्रगीत एक ही रहेगा, कानून एक रहेगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के समय जम्मू कश्मीर को ये विशेष सुविधा दे दी कांग्रेस ने, धारा 370 लगा करके वहां तीनों चीज अलग। माननीय हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं ये नहीं पसंद करता हूँ और मेरा दल भी नहीं पसंद करता, और पूरे देश में आंदोलन किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस बात के लिए उनने अपनी शहादत भी खाली बोला नहीं, बोल करके उस आंदोलन का नेतृत्व करके वहां गए
और वहां जाकर कहा कि ये कश्मीर के अंदर गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए आजाद कश्मीर में। और उतना ही नहीं, अपने उस बात के लिए उनको जेल हुई, वो जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जेल में ही ऐसा कहते हैं कि वो आज भी रहस्य बनी हुई उनकी हत्या, उस पर कोई पर्दा नहीं उठाया है। लेकिन चाहे हमारे व्यक्ति ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान हो गया, लेकिन उनने इस बात को स्थापित किया कि भारतीय जनता पार्टी, इसके वाली पहले वाली जनता पार्टी या जनसंघ जो कहती है वो करके दिखाती है। इस देश के लिए अगर जान की जरूरत है तो जान देने के लिए अगर आगे बढ़ने का कोई रिकॉर्ड बनता है किसी एक पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी शहादत देता है, यह एकमात्र पार्टी। दूसरा एक और मौका आया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोग कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपकी जीवन जीने की, काम करने की, इस पार्टी को सरकार में लाने की आखिर आपकी मन में कल्पना क्या है। बहुत छोटी सी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी की। वो क्यों आना चाहती है सत्ता में, उसके दो कारण हैं।